हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर लता। आज फिर आपके सामने एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास मेरी फ्रेंड्स के बहनों के आ रहे हैं मेल्स के जरिए। कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे पड़े हुए हैं कि मैडम हमारे पति, आप कहती है बचत करिए, बचत कैसे करें जब हमारे पति हमें घर के खर्चे के लिए तक पैसे नहीं देते, तो बचत हम किस तरह से करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए इस मैटर में मैं आपको जो है कुछ पॉइंट्स के अंदर बताऊंगी कि पति आपको पैसे क्यों नहीं देते या कौन सी ट्रिक्स अपनाएं पति से किस तरह से पैसे लें। देखिए फ्रेंड्स, कई लोगों को तो ये होता है, जैसे हम लेडीज को आदत होती है ना, पैसे छुपा कर यहाँ रख दिए, वहां रख दिए, वहां रख दिए। तो क्या पता आपके पति को भी शौक हो नोटों की गड्डियां जमा करके इकट्ठे करके, शौक मिलता हो, खुशी मिलती हो बहुत ज्यादा। ये तो एक कारण हुआ, मैं बोल रही हूँ जो आपको एक सिंपल सी मजाक की बात है, लेकिन अगर सीरियसली इस इश्यू को अगर देखा जाए कि क्यों नहीं देते आखिर आपके पति आपको पैसा, तो चलिए विचार करते हैं इस टॉपिक के ऊपर और कुछ पॉइंट्स के अंदर ये जो बातें मुझसे जान लीजिए। देखिए दोनों तरह की जो लेडीज होती हैं, वाइफ चाहे वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ हो, सारे पति जो होते हैं वो पत्नी को अलग से कुछ पैसा देते ही हैं, चाहे वो उसमें से बचत करें या अपने कोई शौक के ऊपर खर्चा करें, अलग से पैसा देते ही हैं। पर अगर कुछ ऐसे पति हैं, जैसे कि मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं फिलहाल, लाइक मेरी फ्रेंड्स के व्यूअर्स के सब्सक्राइबर के, कि पति पैसा नहीं देते, तो इसके लिए देखिए सबसे पहली जो चीज़ हो सकती है ना रिस्पॉन्सिबल, वो होती है पति की मानसिकता। वो आपको खर्चे के पैसे या एक्स्ट्रा पैसे या कुछ पैसे क्यों देना नहीं पसंद करते, क्योंकि वो कई बार आपको इस लायक नहीं समझते हैं कि आप खर्चा चला पाओगी। उनको लगता है मैं ही खुद समझदार हूँ, मैं ही सारा खर्चा चलाऊँ, मैं ही सब कुछ करूँ और सारी जो जिम्मेदारियों का वहन मैं ही करूँ, अपने तरीके से घर का खर्चा चलाऊँ। और दूसरा कुछ ये भी सोच हो सकती है कि यार इनको तो जो दिखाओ ना सब कुछ मैडम को पसंद आ जाता है, कहीं ये फालतू फिजूल खर्ची नहीं करे। उनकी मेंटल जो स्टेट होती है ना, मानसिकता इसी तरह की होती है कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, खर्चा मैं ही चलूँ, स्मार्टनेस होती है। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, स्मार्टनेस होती नहीं है, समझते स्मार्ट है कि मैं ज्यादा अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से, ढंग से घर का खर्चा चला सकता हूँ, तो फिर पैसे इनको देने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कई घरों में पुरानी ट्रेडिशन, पुरानी परंपरा इस तरह से चली आ रही है कि जो घर के बड़े हैं उनके अंदर भी ये चीज़ चली आ रही है, तो ये आगे आगे जो जनरेशन से उनमें इनहेरिट होती है कि जो घर का खर्चा जो है ना उन पुरानी परंपराओं के अनुसार वो पति ही चलाते हैं, पत्नियों को खर्चा करने का अधिकार ही नहीं होता। ऐसे केस में क्या होता है, दिक्कत हो जाती है पत्नियों के लिए भी कि वो पति से कुछ पैसे किस तरह से मांगे। इसके साथ साथ ही माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा पति की मानसिकता ही खराब नहीं होती कि मुझे पैसे नहीं देने अपनी पत्नी को। कई बार क्या होता है वो खुद ही परेशान होते हैं, उनकी खुद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उनके पास इतने पैसे नहीं होते एक्स्ट्रा कि वो आपको ब्यूटी पार्लर जाने के लिए या एक्स्ट्रा शॉपिंग के लिए कुछ अलग पैसे दे पाएं। तो ऐसी सिचुएशन में उनको फोर्स भी मत करिए आपकी, आप पैसे दीजिए मुझे, उनकी उस सिचुएशन को समझिए। कई लेडीज को मैंने देखा है कि वो ताने देती रहती है हर वक्त, जैसे ही ऑफिस से आए चाय के साथ साथ ही, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो। उनको देखा उनके घर में रिनोवेशन हो रहा है, पड़ोस में उन लोगों ने ये ले लिया, वो ले लिया, वो ले लिया, 10 एग्जाम्पल आपने उनको दे दिए। तो इस तरह की बातें उनसे मत करिए। कई बार क्या होता है वो आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं होने की वजह से वो वैसे ही इसमें हीन भावना का शिकार होते हैं कि मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ इसको, और ऊपर से फिर आप दो बातें और बोल देती है ना उनको, तो शायद वो और इस चीज़ से उनको तकलीफ ही पैदा होगी। तो इस तरह का कारण भी मत बनिए। उसके बाद जो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है, इन सारी चीज़ों के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कि जो उनकी जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो पति की का जो कंजूस नेचर जो है वो भी इस चीज के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो सकता है। कि कई लोग ऐसे होते हैं ना, खुद खर्चा करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं बिल्कुल। इस तरह के लोग हमेशा अपनी पत्नी को पैसा देने में आनाकानी करते हैं, चाहे वो अपनी खुद की पत्नी हो, उसको भी लगता है उनको कि यार क्यों पैसे दें, फालतू में क्या वेस्टेज करेगी, क्या पता इसको तो सब कुछ चीजें पसंद आ जाती है, अभी कुछ लेकर आ जाएगी। इस चक्कर में वो पैसे उनको अपनी पत्नी को देना पसंद नहीं करते हैं, और ज्यादातर जो पैसे होते हैं वो अपनी खुद की जेब में रखना ही पसंद करते हैं। माई डियर फ्रेंड्स, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन देखिए इन सारे जो भी वजह, अगर पति आपको पैसे नहीं दे रहे ना किसी भी कारण से, तो आइए मैं आपको कुछ कदम बताती हूँ जो कि आपको उठाने चाहिए, शायद इनकी मदद से जो आपके पति हैं वो आपको पैसे देने लगेंगे। और मेरे इन स्टेप्स को जानने के बाद ये बताइएगा कि आपके पति ने पैसे देना शुरू किया आपको। चाहे आपके पति पिछड़े हुए मानसिकता रखने वाले हैं या कंजूस हैं या जो भी हैं, उन्हें आपको शांति से बैठा कर एक अच्छी सी चाय के साथ समझाना होगा
कि देखिए इस तरह से जो ये आपका व्यवहार है ना कि आप बिल्कुल भी पैसे नहीं देते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे बहुत हर्ट करता है। और देखिए खर्च चलाना जो घर का है वो आपके साथ मेरी जिम्मेदारी भी है, और जो आपका व्यवहार है ये मुझे बहुत ज्यादा आहत करता है। पति को अच्छी तरह समझा समझा दीजिए कि औरतों के भी कुछ काम होते हैं और घर का खर्चा चलाना जो है वो भी उन्हीं कामों में शामिल है, तो इस काम में पति को ज्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो देखिए पूरे दिन भर घर में रहती हैं, उनको चीज का आइडिया होता है कि किस पर कब कितना खर्चा कहाँ से और कैसे करना है। नंबर 2, अपनी काबिलियत को अपने पति को समझाएं और दिखाएं। कई बार कई पतियों को ये लगता है कि यार ये इस काबिल नहीं है, खर्चा नहीं चला पाएगी, कहीं नुकसान हो जाएगा या ढंग से घर का खर्चा नहीं चला पाएगी, तो आप देखिए धीरे धीरे इस चीज को प्रूव कर दीजिए कि आप सब तरह से घर का खर्चा अच्छी तरह से चलाने में सक्षम है, क्योंकि देखिए गृहिणियों का सबसे बड़ा गुण ही यही चीज होती है। आप ये चीज उनको प्रूव करके दिखा दीजिए कुछ अपने वर्ड्स से, कुछ एक्शन से, जिससे कि उनको इस बात पर विश्वास हो जाए पूरी तरह से कि आप घर का खर्चा बिना उनकी दखलंदाजी के अच्छी तरह से चला सकती हैं, तब ताकि वो आपको पैसे देना शुरू करे। आप उनके इस वहम को दूर करिए और अपनी काबिलियत को प्रूव करके दिखाइए उनको ये चीज, ताकि उनको समझ आ जाए कि आप घर का खर्चा बहुत अच्छी तरह से चला सकती हैं। कभी कभी लोगों के सामने ना अपनी काबिलियत को प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, उनको उनकी जो गलती है उसका एहसास दिलाइए। इतना सब कुछ करने के बाद भी एक चीज बता रही हूँ कि कुछ पति बहुत ही ज्यादा जिद्दी किस्म के होते हैं, उनको सीधा करने के लिए आपको ना, देखिए कई बार कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा हो तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तो आपको जो है कुछ ट्रिक्स प्ले करनी पड़ेंगी, कुछ चालाकी से उनको ये चीज समझानी पड़ेगी कि है ना लाइक आप अच्छे से खर्चा चला सकती हैं और आपको ये चीज जो है जिम्मेदारी आपके ऊपर होनी चाहिए, ताकि आप कुछ बचत भी कर सकें। पहले उनको समझाइए कुछ सामान ऐसे होते हैं जो लेडीज बेस्ड होते हैं और मुझे ही लेके आने पड़ते हैं, नहीं माने तो एक बहुत लंबी, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा के दे दीजिए, ये लाना है वो लाना है वो लाना है, लेकिन औरतों की चीजें तो औरतों की, जहां जहां दुकान पर जाकर खड़े होंगे ना जगह जगह खूब सारी औरतों की भीड़ दिखाई देगी, और कुछ इतनी लंबी लिस्ट दीजिए कि खरीदते खरीदते खुद ही परेशान हो जाएंगे, शाम को आके आपके हाथ जोड़ देंगे, भैया तुम जानो तुम्हारा काम है। मुझे उम्मीद है कि जो इसके सारे टिप्स और जो मैंने आपके साथ शेयर की कि पति आपको पैसा नहीं देते खर्चे का तो क्यों नहीं देते, क्या रीजंस हो सकते हैं, और पति से पैसे जो है खर्चे के वो किस तरह से लें, आपको बताइएगा इनमें से कौन सी ट्रिक आपको या ज्यादा यूजफुल लगी या कौन सी आपके जो है रेलेवेंट रही, आपके पति उसकी वजह से आपको पैसा देने लगे, तो इन जो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अपने जो आपके लाइक ओपिनियन है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं जरूर शेयर करिएगा। और इसके साथ साथ ही एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बींग अ वुमेन, बाय बाय।